हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड से कैसे अपने फ़ोन पे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, यानी आधार कार्ड से कैसे आप लोग जो है अपने फ़ोन पे अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग के पास जो है ATM कार्ड नहीं है, तब भी दोस्तों आप लोग जो है अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग अपने फ़ोन पे को चालू कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। और दोस्तों, इसे देखने के बाद दोस्तों अगर आप लोग जो है यहाँ पर चालू करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से चालू कर पाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बट अगर आप लोग जो है आधार कार्ड से जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग जो है आधार कार्ड से अपने फोन पे को यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं जैसे जैसे जो भी स्टेप बताऊंगा बिल्कुल आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड है तो वो भी लोग देख सकें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको जो है अपने प्ले स्टोर से जो है अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आना है अपने सीधे प्ले स्टोर पे, एंड प्ले स्टोर पे आने के बाद ऊपर में आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है फ़ोन पे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है फ़ोन पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर फ़ोन पे आप लोग लिखेंगे, फाइनली ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है ओपन करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम जाते हैं बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ से हम जो है अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमने ओपन कर लिया, जैसा कि अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम जो है अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जब फर्स्ट बार दोस्तों आप लोग ओपन करेंगे तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो है प्रोसीड हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पर प्रोसीड होता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर OTP, आपके उसी नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। फाइनली वो OTP जो है आपका सीधे जो है यहाँ पर आपके उसी नंबर पे आएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक वो जो एंटर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं। OTP जैसे ही एंटर हो जाता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर लोडिंग होगा, फाइनली आपकी जो जो आपका फ़ोनपे का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपको अपना जो है आपका आधार कार्ड जो होगा उसे आपको लिंक करना है इसमें। तो कैसे क्या करना है, देखिए आपको यहां पर परमिशन मांगेगा, तो आपको यहां पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको अलाउ कर देना है। एंड आपको तीन बार यहां पर चार बार आपको अलाउ करना है। ठीक है, अब यहां पर अलाउ करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पर एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक, मतलब यहां पर दिया है। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको पहले जो है करना क्या होगा, ऊपर में आपको यहां पर आपका जो है अकाउंट देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, फाइनली कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल पे आ जाते हैं, आय का प्रोसेस क्या है ये बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत आसान तरीका है, आसानी से अपने जो है फ़ोन पे को जो है यहाँ पर अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों अब आपको जो है अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग को यहाँ पर ढेर सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको जो है अपना यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर दोस्तों हमने सिलेक्ट किया है। अब कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको अपना जो है यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसे आपको लिंक कर लेना है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जो भी आप लोग बैंक अकाउंट लिंक करिएगा वो दोस्तों आपका जो नंबर होता है ना, आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, आपको जो है उसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक आना है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो जैसे यहाँ पर दोस्तों आप लोग आएंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है एक ऑप्शन UPI पिन का। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर UPI पिन के बगल में जस्ट आपको मिलेगा रीसेट और चेंज का ऑप्शन। तो अगर आप लोगों में चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट जो लिंक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, आपको सिंपल रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे रीसेट के ऑप्शन पर
पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आधार कार्ड नंबर लिंक और यहाँ पर मिला है डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों अगर आप लोग के पास जो है एटीएम कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड पर सेलेक्ट करिएगा एंड उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन है, सीधे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने जो है आधार कार्ड को डाल दीजिएगा। बट आधार कार्ड वही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। ठीक है, वही नंबर आपको जो आपका नंबर होना चाहिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो, उसके बाद जो है आसानी से आप लोग अपने आधार कार्ड से अपने फोन पे को यूज कर पाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।